हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हर्न में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कोलकाता सिविक पुलिस सिविक वॉलंटियर के रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आपको फॉलो करके यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे मेन एंड वुमेन जो लोग हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ कौन का क्या क्या डिवीज़न है, जिसको आपको कौन सा डिवीज़न के है और कौन सा एड्रेस में आपको यहाँ पे वो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है आपको से वो सबमिट करना है, उसका भी डिटेल यहाँ पे बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्थ एंड नॉर्थ सनबर्न डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए, आपको यहाँ पे पास में दिया हुआ है एड्रेस, आपको इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। इसके लिए यहाँ पे 37 सीट है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए 43 सीट है, जिसके लिए यहाँ पे पास में आपको एड्रेस दिया हुआ है। आप लोग इस एड्रेस में जाके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे साउथ डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए यहाँ पे 16 सीट है, जिसके लिए यहाँ पे पास में एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस में आपको सेंड करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक डिवीज़न के लिए पास में एड्रेस दिया है, जिस एड्रेस में आपको जाके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ऑफलाइन में जाके एप्लीकेशन फॉर्म जो कि डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आपको फिलअप करके यहाँ पे जिस भी डिवीज़न से आप बिलोंग करते उस डिवीज़न के अंदर जो एड्रेस दिया हुआ है, आप उस एड्रेस में जाके आपका जो फॉर्म है आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या डिवीज़न है यहाँ पे मैं एक बार बोल देता हूँ। इस डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए 75 पोस्ट है। ईस्टर्न सर्वन डिवीज़न के लिए कोलकाता पुलिस के 24 सीट है। साउथ ईस्ट डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए 12 सीट है। साउथ सनबर्न डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए 11 सीट है। साउथ वेस्ट डिवीज़न कोलकाता पुलिस के लिए 40 पोस्ट है। फर्स्ट बैटालियन कोलकाता आर्मी पुलिस के लिए 5 पोस्ट है। कोलकाता पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 25। थर्ड बैटालियन कोलकाता आर्मी पुलिस के लिए 5 पोस्ट है। सिक्स बैटालियन कोलकाता आर्मी पुलिस के लिए 5 पोस्ट है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट कोलकाता पुलिस के लिए 190 पोस्ट है। कोलकाता पुलिस बैंड एंड ऑर्केस्ट्रा तो के लिए 20 पोस्ट। पोस्ट डिवीज़न पोर्ट डिवीज़न एंड कोलकाता पुलिस के लिए 23 पोस्ट है। कोलकाता होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10 पोस्ट है। पुलिस हाउंड हाउसिंग ईस्ट के लिए यहाँ पे 25 पोस्ट एंड कम्युनिटी पुलिस विंग के लिए 30 पोस्ट निकला हुआ है। उसके बाद रिवर ट्रैफिक पुलिस के लिए यहाँ पे 70 पोस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है 613 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा। यहाँ पे बहुत सारे जो कि डिपार्टमेंट है, जिसके डिपार्टमेंट आप एलिजिबल करेंगे उस डिपार्टमेंट को यहाँ पे आपको लिख के आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आपको भेजना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज है 20 ईयर से 60 ईयर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका क्लास 8 के 8 पास हो तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि 8 पास है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास 8 पास के सर्टिफिकेट है या उससे भी ज़्यादा अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको NCC कैडेट बॉय स्काउट NS गाइड सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एक्सेट्रा के सर्टिफिकेट अगर है तो आपको एक एडवांटेज मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पे दोस्तों फिजिकली और मेंटली फिट रहना होगा, जिसके लिए यहाँ पे आपको ये जॉब मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको रिटर्न एग्जाम देना होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू एंड उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे और क्या क्या डिटेल्स है जिसको यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे और क्या और कुछ भी यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर अब मैं कुछ मिस कर जाता हूँ तो आप लोग यहाँ से जाके एक बार पढ़ लेना। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जिसके लिए जिसको आप डाउनलोड करके इस पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, लिंक नीचे दिया लिंक को आपको उस लिंक पे जाना होगा, उसके बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म के किस तरह से फिलअप करना वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, 20 दिसंबर 2018 लास्ट डेट है, जिससे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा।
तो दोस्तों एप्लीकेशन शुरू हो गया 30 दिसंबर 2018 से और लास्ट डेट 20 दिसंबर 2018। इस तरह की फॉर्म आपके पास चला आएगा, जिस फॉर्म में आपको पहले आपको यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपको देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका नाम जो है कैपिटल लेटर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेजेंट एड्रेस एंड उसके बाद आपका कैटेगरी आप SC ST अनरिजर्व रिजर्व और जनरल है, आपको यहाँ पे कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे वो देना हो। उसके बाद आपका रिलीजियन, मैरिटल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन मार्क, वोटर आईडी कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्लीज अटैच फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आप जिस भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आप यहाँ पे लिखेंगे उसका एक फोटोकॉपी आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो कि यहाँ पे NCC, स्काउट्स, NSS, सिविल डिफेंस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे वो दे सकते। इसके अलावा यहाँ पे उसका जो सर्टिफिकेट की कॉपीज है आपको यहाँ पे एक जीरोक्स कॉपी आपको इसके साथ अटैच करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इन्वॉल्वमेंट इन क्रिमिनल केस। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके कोई क्रिमिनल केस है तो आपको यहाँ पे येस और नो देना होगा, जिसको आपको यहाँ पे टिक मार्क देना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर एंड डेट प्लेस देके आपको येस फॉर्म जो कि फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद ऊपर ऊपर दिया हुआ है जिसमें एड्रेस में या जिस भी डिविजन से अंदर आपका प्लेस है, आपको उस डिवीजन के अंदर जाके उस एड्रेस में जाके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको सबमिट करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से कोलकाता पुलिस सिविक वॉलंटियर के बहुत सारे जो डिपार्टमेंट हैं आप उस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो इंटरव्यू या एग्ज़ाम के डेट है आप वो दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।